हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस जियो फोन में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है और वो सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटोमेटिकली हो गया है। ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ से डेटा कनेक्शन ऑन कर लेना है और उस अपडेट में आपको बताएंगे कि क्या क्या नए फीचर मिले हैं। आप तो सबसे पहले मेन्यू प्रेस करके सेटिंग में चलते हैं। इसका सॉफ्टवेयर वर्जन देख लेते हैं कितने का है। अभी तक वही वर्जन है 2.5 का, अभी चेंज नहीं हुआ है। इस ऐप अनुमति में चलते हैं। इसमें कुछ ऐप खुलते नहीं थे, ऐसे खुलते नहीं थे ये, जैसे कि YouTube नहीं खुलता था। इसमें बदलाव नहीं आया, ये अभी भी नहीं खुल रहा है। और पहला फीचर है जो आपको हमारे ये फेसबुक यहाँ पे आ चुका है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे जियो चैट आ चुका है, पहले यहाँ पे फेसबुक था, अब फेसबुक यहाँ पे आ चुका है। और हमारे इस जियो स्टोर में बहुत सारे ऐप में अपडेट मिले थे। उसको मैंने अपडेट कर लिया है। उस अपडेट में कुछ नया फीचर नहीं मिला है। इस जियो स्टोर में सारे ऐप में अपडेट आए थे हमारे, इस संदेश में भी आया था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आया है क्योंकि इसमें अभी तक फोटो और वीडियो नहीं भेज सकते हैं हम इस संदेश वाले ऐप में, क्योंकि इसमें अपडेट अभी तक नहीं आया है। और इस व्हाट्सएप में भी अपडेट आया था, इस असिस्टेंट में भी अपडेट आया था, इस संदेश वाले ऐप फेसबुक में, जियो टीवी, जियो पे, इन सब पे अपडेट आया था, लेकिन नया फीचर कुछ नहीं मिला है। हमारे को एक नया फीचर यही देखने को मिला है कि ये हमारा फेसबुक यहाँ पे आ गया है और फेसबुक अब तेज़ी से चलने लगा है। और अब ये भी पता चला है कि व्हाट्सएप में वीडियो कॉल का भी अपडेट आने वाला है। अगला सॉफ्टवेयर अपडेट जल्द ही आ जाएगा और उसमें हमको इस व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करने का ऑप्शन ज़रूर से मिलेगा। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।